अगोला के बारशी टाकली तहसील में प्राकृतिक सौंदर्य से पहचाने जाने वाले ग्राम चौली स्थित कुलगैर पहाड़ी पर विराजमान रुद्रयाणी देवी आदिशक्ति के नाम से देश भर में विख्यात है। आदिशक्ति देवी के दर्शन के लिए राज्य के अलावा देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। ऐतिहासिक रुद्रयाणी देवी का उल्लेख राम विजय ग्रंथ और देवी भागवत में भी पाया जाता है। वहीं प्रकृति के सानिध्य में पहाड़ी पर विराजमान रुद्रयाणी देवी के गढ़ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आपको बता दें, सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर का अपना अलग इतिहास रहा है। अजंता का अंतिम स्थान रुद्र टेकड़ी है और इसी टेकड़ी के नाम से रुद्रयाणी देवी पड़ा है। प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान दर्शन के लिए आए थे। यह बात राम विजय ग्रंथ के 5वें अध्याय की 128वीं में दर्ज है। रुद्रयाणी देवी की तलहटी में प्रभु रामचंद्र, सीता माता ने जिस जगह पर भ्रमण किया था, वहां आज भी चंद्र विकास कमल उगते हैं। यहां पर कमल दो जगह ही देखे जा सकते हैं, जिसमें एक अयोध्या और चिंचौली में। मंदिर के पुजारी ने बताया, कमल सिर्फ रात में ही खिलते हैं, दिन के उजाले में नहीं खिलते। रुद्रयाणी देवी दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को यहां प्राकृतिक सौंदर्य मोहित कर लेता है। नवरात्रि के दौरान यहां 9 दिन तक लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भर म्हणजे पहिले येते आम्हाले ती रुद्रयाणीची पोळ्याची दुसरीची यात्रा येते इथं। यात्रेच्या दिवशी इथं काय असते, बैल चढतात वर, आणि बैल म्हणजे कमी कमी 10-20 खेड्यातले बैल येतात दर्शनाला वर, आणि त्या दिवशी ते द्वारका आणणे। रुद्रयाणी द्वारका म्हणतात आमच्या इकडे, कापडाची बनेल गेलेलं असे असते ते द्वारका, तिले जसं तो नवस केल्यासारखं असते ते, तो नवस केला की लागे त्या दिवशी लोक, त्या दिवशी ते यात्रा असली, यात्रा खाली यात्रा असते रुद्रयाणीची, आणि यात्रा झाली की त्याच्याच एका महिन्यानं आमचं नवरात्र सुरू होते।